नमस्कार, वंदे मातरम। भारत विकास परिषद के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सूरज प्रकाश जी एक महान व्यक्तित्व थे, एक करिश्माई व्यक्तित्व थे। वो सोबर भी थे, सीरियस भी थे। उनका घर ही भारत विकास परिषद आज जो वट वृक्ष बन चुकी है उसका कार्यालय था। लाला हंसराज जी जैसे महान व्यक्तियों की उपस्थिति में उन्होंने पहले सिटीजन काउंसिल और भारत में बाद में भारत विकास परिषद की स्थापना की। आपका जन्म चामल नाम के एक छोटे से गांव में गुरदासपुर जिला पंजाब में हुआ। श्री राम महाजन और श्रीमती बेला देवी के यहाँ आपने जन्म लिया और KEM लाहौर से आपने मेडिकल की डिग्री पास की। 1947 में जब पार्टीशन हो रहा था तब तो आपके सिर पे इनाम था इस बात के लिए कि आपने हिंदुओं की मदद कैसे की। हालात खराब थे तो 1948 में आप शिफ्ट हुए जम्मू और कश्मीर में। 1947 में शिफ्ट हुए, 1948 में आप दिल्ली आ गए और 1950 में श्रीमती औंधिया गुप्ता जी से शादी की। आपके 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। 1962 में चाइना युद्ध के बाद आपने भी बहुत सारे युद्ध के बंदियों की, घायलों की मदद की और सिटीजन काउंसिल की स्थापना की, जिसने 1963 में भारत विकास परिषद का रूप लिया। स्वामी महामना विवेकानंद जी को अपना रोल मॉडल बनाया गया। उदयपुर की कॉन्फ्रेंस में 2 फरवरी 1991 में ज़्यादा काम करने के हालात से, देश में ट्रैवल करने की वजह से आपको हार्ट अटैक आया। ईश्वर को मंजूर नहीं था और उस दिन 2 फरवरी 1991 से वो चल बसे। इस छोटे से परिचय के साथ, चूँकि 27 जून को सब जगह माननीय है फाउंडर सेक्रेटरी का जन्मदिन मनाया जाएगा फाउंडर्स डे के रूप में, रीजन की तरफ से मैं डॉक्टर रूप सिंह आप सब शाखाओं से ये निवेदन करता हूं कि चमत्कारिक सेंटेंस लिख के, मैक्सिमम 100 वाक्य या 10 लाइन लिख के आप भारत विकास परिषद नॉर्थ ईस्ट के या भारत विकास परिषद पूर्व प्रांत के व्हाट्सएप ग्रुप पर डालें। बेहतरीन 3 कृतियों को हम कैश प्राइज के रूप में रीजन की तरफ से, रीजन अध्यक्ष और सचिव महोदय की तरफ से अवार्ड करवाएंगे। यही हम सब की जयंती होगी। जानिएगा डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के बारे में। धन्यवाद। वंदे मातरम।